राजस्थान में सियासी संकट खत्म होता नजर नहीं आ रहा। सचिन पायलट समेत 19 विधायकों के बागी तेवरों के बाद अशोक गहलोत सरकार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाल ही में विधायक दल की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विधानसभा सत्र में विधायकों से एकजुटता दिखाने की अपील की। बैठक में विधायकों ने पायलट खेमे पर जल्द कार्रवाई करने की भी मांग की। गहलोत खेमे के विधायक अभी जैसलमेर में हैं। यहां पहुंचकर अशोक गहलोत ने विधायकों से बात की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट खेमे पर कार्रवाई की मांग की गई। बताया जा रहा है कि अब राजस्थान कांग्रेस हाईकमान के सामने पायलट खेमे की वापसी को लेकर कोई चर्चा नहीं करेगी। अब बागी गुट पर ही फैसला लेने के लिए छोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने हाल ही में कहा, विधायकों ने जैसी एकजुटता अभी तक दिखाई है वैसी ही विधानसभा सत्र में दिखानी होगी। उन्होंने कहा, हम सब लोकतंत्र के योद्धा हैं, यह लड़ाई हम जीतने जा रहे हैं। राज्य में 3.5 साल बाद ही अगले चुनाव होंगे, हम उन्हें जीतेंगे। राजस्थान में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच चले गतिरोध के बाद अब 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। गहलोत इस सत्र में विश्वास मत रखने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उत्सुक है। अगर वे जीत जाते हैं तो उन्हें 6 महीने तक चुनौती नहीं दी जा सकती। अशोक गहलोत का दावा है कि उनके पास 102 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत से ऊपर है। बीजेपी के 72 विधायक हैं। संकट के बीच दोनों दल अपने विधायकों की रखवाली कर रहे हैं। इससे पहले हाल ही में राजस्थान में बीजेपी ने अपने 6 विधायकों को गुजरात के पोरबंदर में शिफ्ट। वहीं सचिन पायलट के बागी होने के बाद पिछले महीने उप मुख्यमंत्री के पद से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। उनके कैंप में 19 विधायक हरियाणा स्थित एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त हुई इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। SK9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।